हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान में। आज आपका इंग्लिश टाइपिंग सीखने का दूसरा दिन है। डे वन में जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डे वन में मैंने आपको बताया था कि ये अपर रो होती है, ये बॉटम रो होती है और इसे डाउन रो बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अपर रो होती है, ये होम रो होती है और ये डाउन रो होती है और इसे हम नंबर रो बोलते हैं और इधर इसे हम नंबर टैब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नंबर रो होती है, ये अपर रो होती है, ये होम रो होती है और ये डाउन रो होती है और इसे हम नंबर टैब बोलते हैं। ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है इसे हम नंबर टैब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपने हाथों को होम रो पर ही रखना है। स्टार्ट करते हैं। A S D F स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। फिर से ट्राई करेंगे। A S D F स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। सो फ्रेंड्स, ये तो था डे वन के बारे में। अब बात करते हैं डे टू के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने आपको जी और एच का यूज करने के बारे में नहीं बताया था, इनका यूज कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। इधर से आपको टाइप करना है A S D F और जी प्रेस करेंगे और वापस एफ पर आ जाएंगे, स्पेस देंगे सेमी कॉलन LKJ एच प्रेस करेंगे और वापस जे पर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अपनी इस उंगली को जी पर प्रेस करेंगे और वापस एफ पर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें एच प्रेस करना है और वापस जे पर आ जाना है। फिर से ट्राई करेंगे। A S D F जी प्रेस करेंगे और वापस एफ पर आ जाएंगे, स्पेस देंगे सेमी कॉलन LKJ एच प्रेस करेंगे और वापस जे पर आ जाएंगे, स्पेस देंगे। फिर से ट्राई करेंगे। A S D F जी प्रेस करेंगे और वापस एफ पर आ जाएंगे, स्पेस देंगे सेमी कॉलन LKJ एच प्रेस करेंगे और वापस जे पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे ही आपको आज अपने पूरे दिन में 4 से 5 पेजेस करना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।